कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी लखनऊ दफ्तर में नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि इसके खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन भी किया, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर नारेबाजी भी हुई। वही कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से पूछताछ का समन जारी हुआ था। सोनिया कोविड संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। जून में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था, जिसे ईडी ने मंजूर किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस पदाधिकारियों का पूरे मामले पर कहना है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत फायदा उठाते हुए पार्टी नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। वहीं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे लोकतंत्र खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।